हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवाजी महाले के। दोस्तों, आपने जीवाजी शिवाजी कुछ सिमिलर वर्ड सुना होगा, लेकिन दोस्तों जीवाजी महाले वो अंगरक्षक क्यों थे शिवाजी महाराज के लिए, उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों था, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, कहीं ना जाए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि था जीवा इसलिए बचा अपना शिवा। सॉरी फ्रेंड्स, शिवा भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर जीवाजी महाले नहीं होते तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज को ऊपर खतरा मंड रहा था, लेकिन जीवाजी महाले के वजह से अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का उस टाइम पे जान बची थी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी का स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जीवाजी महाले के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते। दोस्तों, आपने प्रतापगढ़ किले के बारे में सुना होगा। हाँ जी हाँ, उसका प्रतापगढ़ किला जो कि पहाड़ी किले पे आता है, यानी पहाड़ के ऊपर आता है, और इस प्रतापगढ़ किले के बाजू में जो सतारा जिला है उसमें कोंडावली करके गांव है, उसमें जीवाजी महाले का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1665 में। दोस्तों, ये जीवाजी महाले वो बचपन से ही तलवारबाजी, घोड़बाजी और कुश्ती इसमें माहिर थे। बचपन से ही उन्होंने ये सब गुण प्राप्त कर लिया था, और उसमें इतना चतुरता थी कि वो हवा में आके अपने शत्रु को दो टुकड़े में खत्म कर देता था। ये सब गुण जब शिवाजी महाराज को पता चलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलती है, तो वो तुरंत शिवाजी महाराज को अपने सेना दल में शामिल कर लेते। दोस्तों, ये बात हुई कि जीवाजी महाले और शिवाजी महाराज में कॉन्टेक्ट कैसे हुआ। फ्रेंड्स, एक दिन की बात है, एक बड़ी बेगम थी, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो भी शिवाजी महाराज को पकड़ के मेरे सामने लेके आएगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी। ऐसे में उनका जो पूरा दरबार था, सैन्य था और सरदार था, सबके सब खामोश हो गए, एकदम चुपचाप बैठे, क्योंकि उनको पता था कि शिवाजी महाराज को पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी उसमें से एक आदमी सामने आता है जिसका नाम था अफजल खान। आपने अफजल खान का नाम सुना होगा, वो इतना दुष्ट था, इतना क्रूर था कि वो कभी भी दया नहीं करता था। अफजल खान बोलता है कि मैं ही खुद छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ के आपके सामने लेके आऊँगा। सो फ्रेंड, ये जो बड़ी बेगम है वो जिम्मेदारी अफजल खान को दे देते, और अफजल खान हजारों सेना लेके, घोड़ ढोल लेके, टोप लेके और अपने सेना के साथ महाराज पहुँच जाते हैं। लेकिन उतने में जब अपने छत्रपति शिवाजी महाराज है उस टाइम पे रायगढ़ किले में थे, और रायगढ़ किले से वो प्रतापगढ़ आने के लिए निश्चित किए, क्योंकि प्रतापगढ़ जैसा जो किला है उसमें सुरक्षित रहना उन्हें और कोई अच्छा नहीं लगा, तो वो तुरंत डिसीजन लेते और प्रतापगढ़ किले की तरफ रवाना करते। और जैसे ही वो पहुंच जाते हैं और ये बात ये अफजल खान को पता चलती है तो उन्हें गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि जो प्रतापगढ़ किला था उसके आजू बाजू में इतना घना जंगल है और जंगल में इतने जानवर है कि उसमें से पार करके वो किले पे आना नामुमकिन था। इसलिए वो दूसरा दाव खेलता है, यानी कि अफजल खान है वो दूसरा दाव खेलता है। वो करता क्या है कि जितने भी भगवान के मंदिर है, देवी देवताओं के मंदिर है, वो तोड़ना स्टार्ट करता है। ऐसा करने से उसे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद चल के अफजल खान के पास आएगा। लेकिन ये जो बात है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता थे उसकी नीति, वो भले भले जान चुके थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे में अफजल खान एक निरोप भेजता है छत्रपति शिवाजी महाराज को और कहता है कि आप मेरे पास आओ, आप मेरे पुत्र जैसे हो, अगर आप मेरे पास आते हो तो मेरे बादशाह से आपकी मुलाकात होगी। दोस्तों, फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज तो चालाक थे, उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे धोखा है आपके जान से, क्या हम प्रतापगढ़ किले का जो पैठा है वह आप में मिल सकते हैं, तो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। ऐसे में अफजल खान खुश हो जाता है, उसको लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही अपने घुटने टेक चुके हैं। ऐसे में अफजल खान उसको मंजूर देता है और कहता है कि हम जरूर मिलेंगे, और ऐसे में एक डेट फिक्स किया जाता है और उस डेट को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका मिलना तय होता है। जब अफजल खान का आने का टाइम था तभी छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जितनी सेना थी सबको अपना अपना काम समझा देते, और अपना जो जीवाजी महाले उन्हें कहा जाता है कि आप भी सुरक्षित रहो और आजू बाजू में देखो क्या चल रहा है। ऐसे में शिवाजी महाले को एक बात पता चलती है कि और अपना जो सेना थी शिवाजी महाराज का उसमें से एक सैयद बंडा करके था, वो अफजल खान के साथ मिल चुका था और उससे छत्रपति शिवाजी महाराज के जान को खतरा था, और यही बात शिवाजी महाले अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को बता देते। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप सिर्फ ध्यान रखो, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा तभी देखेंगे। अफजल खान की एंट्री हो जाती है, और अफजल खान जब छत्रपति शिवाजी महाराज को गले मिलने आते हैं तभी वो
दुर्भाग्यवश आप जो बोल सकते हो पीछे से खंजर निकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज से वार कर देते हैं और उनका जो ये सीना है वो फट जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज चिल्लाते हैं। लेकिन उनके पास जो दिमाग था वो टाइम वेस्ट ना करके उसके पेट में जो एक वाघ नखा बोलते हैं, वाघ नखा ये मतलब कि वाघ का जो पंजा है उसकी तरह एक उसका हटिया था वो निकाल के जो अफजल खान है उसके पेट में वार कर देते हैं, उसमें अफजल खान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अफजल खान अकेला नहीं आया था, उसके साथ वो अपने वकील को लेकर आया था, उसका नाम था कृष्णाजी कुलकर्णी। उसके ऊपर भी छत्रपति शिवाजी महाराज तुरंत वार कर देते, उसका शरीर का 2 टुकड़े में विभाजित कर देते और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब एक बार सैयद जो बंडा है जो अफजल खान के साथ मिल चुका था उसे पता चलते है तो तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर हमला करने आता है। लेकिन यही अपने जो शिवाजी है जो मैं कहता हूँ ना उसका मेन रोल क्यों है वो देखता है, वो तुरंत टाइम न वेस्ट करके अपने चतुराई से उसके हवे में उसके हाथ काट देता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए तभी एक वाक्य निकला था कि था जीवा, इसलिए अपना छत्रपति शिवाजी महाराज बच पाया था। सो फ्रेंड्स, यही थी कहानी, यही मेन रोल था शिवाजी महाले का। आपको कैसे लगा? और आज से मैं ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छी लगी वो स्टोरी तो सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।